स्कूल में मुर्गियां और खरगोश पाले जा रहे हैं। अधूरे स्कूल भवन में प्याज और मिर्ची उगा रहा है शिक्षक। पानसेमल विकास खंड में एक विद्यालय को शिक्षक ने बनाया घर। ग्रामीणों की शिकायत पर पहुंचे बीओ। बड़वानी जिले के पानसेमल विकास खंड में एक शिक्षक द्वारा विद्यालय को घरेलू सामान जमा कर अपने घर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसकी शिकायत पर विकास खंड शिक्षा अधिकारी पहुंचे। विकास खंड शिक्षा अधिकारी अरुण मिश्रा द्वारा सकराली के चौधरी फरियालिया पहुँच कर नियमानुसार कार्रवाई करते हुए पंचनामा बना लिया है। बीओ अरुण मिश्रा ने बताया कि ग्राम सकराली बुजुर्ग के चौधरी विद्यालय में अन्य शिक्षकों के साथ पहुंचने पर वहां ताला लगा हुआ था, जिसे खोलकर देखा गया तो विद्यालय के भीतर मुर्गियां पाली जा रही थी और अंदर घरेलू सामान जमा हुई थी। ग्रामीणों ने बताया कि लगभग 2 वर्ष से ऐसा ही चल रहा है। शिक्षक द्वारा बच्चों के दाखिले भी नहीं दिए जा रहे हैं। लगभग 2 वर्षों से ऐसी स्थिति है। ग्रामीणों ने कई बार शिक्षक को व्यवस्था दुरुस्त करने को कहा, लेकिन शिक्षक द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया, जिसके बाद ग्रामीणों ने विकास खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर डाली। विद्यालय के निकट ही एक अधूरा भवन भी था, जिसके भीतर शिक्षक प्याज और मिर्ची की खेती कर रहा है। मध्य प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पर शिक्षक की ऐसी हरकत सवाल निशान खड़े कर रही है। हालांकि शिकायत मिलने के बाद अधिकारी द्वारा तुरंत कार्रवाई करने को लेकर ग्रामीणों में हर्ष भी व्याप्त है। सीआईडी न्यूज के लिए पानसेमल से श्री कृष्ण सिरसठ की रिपोर्ट। आज प्रातः 11 बजे ग्रामीण जनों द्वारा शिकायत की गई थी कि प्राथमिक विद्यालय चौधरी फलिया सकराली बुजुर्ग में स्कूल बहुत दिनों से लग नहीं रही है और शिक्षक द्वारा स्कूल के अंदर ही अपना घरेलू सामान रख करके रह रहे हैं। इस शिकायत के आधार पर तत्काल निरीक्षण किया गया एवं स्कूल में पाया गया कि मुर्गियां हैं और घरेलू सामान गैस टंकी चूल्हा बिस्तर पेटी आदि सामान रखा हुआ पाया गया, जिस आधार पर स्कूल का पंचनामा बनाया गया है। सामान जब्ती की कार्रवाई भी प्रस्तावित की गई है। साथ ही ग्रामीण जनों से मौके पर पंचनामा बनाया गया, जिसमें ग्रामीणों द्वारा शिकायत की गई है कि स्कूल पिछले 2 साल से नहीं लग रही है, लगती भी है तो अनियमित लगती है, बाहर बैठा करके पढ़ाया जा रहा है बच्चों को और शिक्षक से जब हम दाखिला मांगते हैं तो शिक्षक द्वारा मना कर दिया जाता है। शिक्षक पर क्या कार्रवाई होगी सर? शिक्षक के विरुद्ध कार्रवाई SDM महोदय को भी भेज दी गई है, सहायक आयुक्त महोदय को भेजी गई है और जिले के ऐप पर भी इसकी जानकारी डाल दी गई है और निश्चित रूप से बड़ी कार्रवाई शिक्षक के विरुद्ध होगी। मात्र 8 बच्चे दर्ज हैं, वर्तमान में 6 ही बच्चे यहाँ पर अध्ययनरत हैं। सर क्या उसको नियमित रूप से मानदेय मिलता था शिक्षक को? हाँ, शिक्षक को उपस्थिति के आधार पर जो यहाँ से प्राप्त होती थी उस आधार पर उसको भुगतान होता था बेचारे। अच्छा, आपने ये स्कूल की शिकायत की थी, किस क्या शिकायत की थी बताओ? सर बच्चों को पढ़ाते नहीं सर, 2 साल से पहले स्कूल ही लग रही है। अच्छा। और डॉक्यूमेंट दे दो हमको, स्कूल में दूसरे स्कूल में रख देंगे बच्चों को। हाँ। तो पढ़ाई से बरोड़ से भी पढ़ा सकते हो, आप नहीं पढ़ा रहे तो करके हमने बताया तो सर दाखिला भी नहीं दे रहा वो निकाल। आपने निरीक्षण करने की शिकायत करी थी, सर आए हैं तो क्या क्या देखा, क्या मतलब स्कूल में क्या स्थिति थी? बकरी पाला है, मुर्गे है, खरबूज है, सब घर में रखा है। मतलब बच्चों को स्कूल में दिखाते नहीं बच्चे। अच्छा, तो ये सर यही रहते हैं? हाँ सर यही रहते हैं। स्कूल नहीं लगते? स्कूल नहीं लगते। क्या नाम है सर का जानते हो? हाँ। क्या नाम है? सोमा चौधरी, माजा चौधरी। कितने समय से विद्यालय नहीं लग रहा है? 2-3 साल से लग नहीं लग रहा। तो अभी शिकायत किया? गाँव के रहने वाले करके शिकायत किया था सर हमने पहले। क्या नाम है भैया आपका? रामा डावर। कहाँ रहते हो? चौधरी फलिया सकराली पूछे। अच्छा, आज ये विद्यालय आए थे निरीक्षण के लिए, क्या शिकायत की थी आपने? यहाँ पे स्कूल नहीं लग रही थी सर, और स्कूल की जगह ये मुर्गियाँ और खरगोश पाल रहे थे। कितने समय से नहीं लग रही है? ये 2-3 साल से। अच्छा, तो आज सभी ग्रामीणों ने मिलकर BO साहब को शिकायत की? हाँ सर, शिकायत तो 2-3 दिन पहले की थी।